लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जरा अपनी माँ से तो पूछ ले कुत्ते कि तेरा बाप कौन है, किस बाप की औलाद है तू? पूछ, पूछ सती सावित्री से, देख कितना बाप है, पूछ इसे, पूछ इसे कितना बाप है तेरे। हाँ, मेरा कोई बाप नहीं है, मेरे बाप का कोई नाम नहीं है। उस पत्थर से कौन टकराएगा साहब? थारी बात इतनी महंगी पड़ जाएगी कि जेब और गल्ला दोनों खाली हो जाएगा, या तो फिर बत्ती से हाथ में आ जाएगी। लेकिन इस तरह दुकान बंद करने का मतलब? मतलब तो हम कतई कुछ न जाने हैं, बस जाने हैं तो इतना जाने हैं कि यहाँ पर हफ्ते में 2 बार दुकान बंद करने का ऑर्डर है। इतवार के दिन सरकार बंद करावे है और मंगलवार के दिन अगर हफ्ता न दे तो मंगल बंद करावे है। यही तो हम तुम्हें कब से समझा रहे लाला, अब मंगल से डरने की कोई जरूरत नहीं। दुकान खुली रखो, आज से पुलिस तुम्हारे साथ में है। अरे रे, तुमने हमारी दुकान को शटर ऊपर कर दियो है? मंगल हमारी जिंदगी को शटर डाउन कर देवेगो। अरे तुम क्यों हाथ धोकर मारी जान और दुकान के पीछे पड़े हो? अरे पुलिस खुद मंगल का नाम सुनकर अपना शटर डाउन कर ले रहे हैं, फिर तुम क्यों? देखो लाला, बाकी भी दुकानें सब खुल चुकी हैं और हर दुकान पर एक एक CBI ऑफिसर की ड्यूटी लग चुकी है। आज से इस बाजार में मंगल तो क्या मंगल का साया भी नजर नहीं आएगा। देखा, साया तो दिखाई दिया, अब मारो सायो, मारो साथ छोड़कर चले जावे को। कौन सो भजन गाऊं के मारो प्राण बच जावे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। साय कोटा नजदीक आ रही हूं। क्यों लाला, आज मंगल का हफ्ता दिए बगैर ही दुकान बंद करके जा रहे हो? क्या बात कर रहे हो मंगल, थारे को हफ्तों ना देकर मारे को परलोक थोड़े ही जानो है। ये लोग भक्त जनों के संकट दूर करो। नहीं मंगल, आज से तुम्हें कोई हफ्ता नहीं देगा। अरेस्ट हैं। हमारे होते हुए DCP दिलावर सिंह के होते हुए इस इलाके के अंदर गुंडागर्दी पनप रही और हमें खबर तक नहीं। हम चाहे तो हफ्ते से मंगल का दिन ही निकाल दें, सीधा सोम से बुध आए, मंगल का नाम और निशान दुनिया से मिटा दें। लेकिन सिर्फ लेकिन कुछ नहीं, नाम तो बहुत सुना है, सिर्फ देखना बाकी है कि कौन है ये मंगल जिसकी दिलेरी तुम्हारी जुबान से टपक रही है। एक बार उसे देख लूं, उसे ऐसे अंदर करूंगा कि उसकी कहां है वो। वर्मा, मंगल, जरा अपनी मां से तो पूछ ले कि तेरा बाप कौन है, तेरा बाप कौन है, किस बाप की औलाद है तू, बाप की औलाद है तू, पूछ इसे कितने बाप है तेरे, पूछ पूछ पूछ। क्यों आ गया ना पसीना? दिलावर के सामने दिलेरी दिखाने वाले हर इंसान को पसीना ही आता है। तेरी माँ की ऐसे दिन गिनने शुरू कर दे दिलावर, अब तो जिंदा नहीं रहेगा। वाह पट्टे वाह, इतनी दिलेरी वो भी दिलावर के सामने। अंदर कर दूंगा, नहीं अंदर नहीं करूंगा, अब जो कुछ करूंगा बाहर ही करूंगा। जो हाथ आज तूने मुझ पर उठाए हैं वो भी मेरे ही पुलिस स्टेशन में, चाहूं तो इन हाथों को तोड़कर तेरी गर्दन से लटका सकता हूं, मगर नहीं, लटकाऊंगा मैं तुझे तेरे इलाके में और उन टूटती हुई हड्डियों की आवाज सुनाऊंगा उन कमजोर काय लोगों को,
दक्षिण की खोखली हड्डियों को तोड़कर तू वहां का शेर बना हुआ है। वहां निकालूंगा मैं तेरी दिलेरी। मार्केट वालों, देख लो तुम्हारे इलाके के इस दादा की दिलेरी को तुम लोगों के सामने इसलिए निकाली ताकि तुम लोगों के दिल में जो इसका खौफ बैठा है वो हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। आज के बाद ना तो कोई इसे हफ्ता देगा और ना ही कोई इसकी धमकी से डरेगा। अफसर, कानून का सहारा लेकर मेरे इलाके में मेरे आदमियों के सामने तूने मुझे बेइज्जत किया है। अब मैं कोई सहारा लिए बगैर इसी इलाके में अपने आदमियों के सामने तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। कुत्ते, वो दिन आने से पहले ये दिलावर तेरी हड्डियों को जेल की सलाखों के पीछे सड़वा देगा। ये तेरा आखिरी खेल है। दिलावर के सामने किसी की दिलेरी ना तो आज तक चली है और ना ही चलेगी। अब तू अपनी हर चीज का जोर लगा ले अफसर, तू बचेगा नहीं, नहीं बचेगा तू। इसे भूखा रखा जाए, पैसा तरपाया जाए, जब तक मेरा इशारा ना हो तो इसे कुछ ना दिया जाए। हाँ, थोड़ी थोड़ी इसकी चमड़ी उधेड़ी जाए, बस। दिलावर के सामने दिलेरी दिखाता है, तुझसे जिंदगी की भीख ना मंगवाई तो मेरा नाम भी दिलावर ना है। साहब, इसकी जमानत के लिए कोई आया है? अंदर कर दूंगा। कौन है वो? मेरा नाम मैकमोहन है सर, मैं मंगल की जमानत के लिए आया हूँ, और ये है मेरे वकील साहब देवीलाल जी। ये रहे जमानत के कागजात। ऐसे खतरनाक और नामी गुंडे की जमानत करवाने का मतलब समझते हैं आप? ऐसे गुंडे की जमानत करवाने का साफ मतलब यह है कि जहरीली और नशीली गैस को समाज में फैला देना, जिससे समाज का नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है। ये सवाल अगर आप जमानत मंजूर करने वाले जज साहब से करते तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होता। क्यों, क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल तो दुरुस्त है, लेकिन तुम्हारा दिमाग। खन्ना। यस सर। छोड़ दो मंगल को। मेरी जमानत किसने दी? जिससे कानून दुश्मनी करे उससे हम दोस्ती कर लेते हैं। पारिक सेठ का नाम तो सुना होगा तुमने। कौन पारिक सेठ? अरे पारिक सेठ, जिन्हें सारा बंबई जानता है। अरे भाई, वो डायमंड मर्चेंट। तुम्हारी जमानत के लिए मुझे पारिक सेठ नहीं भेजा है, वो चाहते तुम उनके साथ काम करो। जब तक मंगल अपने काम पूरे नहीं कर लेता, दूसरे काम में हाथ नहीं डालता। अरे सुनो मंगल, ठीक है, जब तुम्हारा काम निपट जाए तब चले आना। ये रहा पारिक सेठ का कार्ड, वो तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे। ठीक है। लगा तो आया थोड़ा बिस्की ज्यादा हुए, फिर भी साहब पनवा खाई चूना लगाई के। शट अप। कल शाम को 8 बजे मिलूंगा, फ्रेश रहना, बिल्कुल ना भूलना। बाय बाय। कहा था ना, इसी चौराहे में इन्हीं लोगों के बीच मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। तू क्या मारेगा मुझे कुत्ते की मौत? आज मंगल लगाई देगा टीएसपी को चूना। हे भगवान, आज मारो सपनों कैसे उल्टो हो गया।
रोजगार को किए हो, दारू नहीं पियो, खाना नहीं खाओ। वेलकम। केके ने जो तुम्हारी तारीफ सुनी थी बिल्कुल सही निकली। डांसर और सिंगर बनकर माल की हेरा फेरी करना कोई तुमसे सीखे। आपकी तारीफ। ओ, ये रेशमा है, मेरी बिजनेस पार्टनर, मेरी लाइफ पार्टनर वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है हमें इधर उधर की बातें छोड़कर काम की बातें करनी चाहिए। राइट, स्मार्ट गर्ल। इसमें पूरा 10 किलो ब्राउन शुगर है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ पहले रुपयों का बैग खुलता है। शो ये क्या पागलपन? ये पागलपन नहीं बल्कि हकीकत है मिस्टर केके, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। बेकार है, तुम सब लोग चारों तरफ से घिर चुके हो। केके, समझदारी इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कांग्रेचुलेशन विक्रांत, प्लीज सिट डाउन। तुमने और किरण ने मिलकर ब्राउन शुगर के सरदार केके को पकड़ के कानून के माथे पर सफलता का सेहरा बांध दिया है। थैंक यू सर। इट्स आवर ड्यूटी सर। और अब तुम्हारी कामयाबी पर खुश होकर हमारे डिपार्टमेंट ने तुम्हें डीसीपी द्यावर के खून का केस सौंपने का फैसला कर दिया है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम गवाहों के साथ सबूत पैदा करके आजाद घूम रहे खूनी मंगल को उसके गुनाहों की सजा जरूर दिलवाओगे। और ये रही उसकी फाइल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर आपके यकीन पर उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू टू। थैंक यू सर। पिताजी, देखा आपने, आपके आशीर्वाद से आज आपके बेटे को हर कदम पर कामयाबी मिल रही है। विक्रांत, आ गया तू? मिल गई फुर्सत तुझे माँ से मिलने की? मेरी प्यारी प्यारी अच्छी माँ, तू तो जानती है कि जब तक तेरा बेटा अपना फर्ज पूरा नहीं कर लेता तब तक वो। बस बस, बड़ा है अपनी बड़ाई करने वाला। 4 साल से एक अपराधी को हथकड़ी नहीं पहना सका और डींगे मारता है बड़ी बड़ी। कौन है वो अपराधी माँ, क्या है उसका अपराध? अपराधी है पुलिस इंस्पेक्टर मिस किरण गुप्ता, और उसका अपराध ये है कि वो मेरी बहू बनने में उतनी ही देर कर रही है जितनी मुझे जल्दी है। मैं सब समझता हूँ माँ, मगर इस मामले में तू मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दे, सिर्फ कुछ दिनों की। आज ही मुझे मंगल नाम के एक नामी और खूंखार गुंडे का केस मिला है। मैं वादा करता हूँ माँ, जिस दिन उस गुंडे को सजा दिला दूंगा उसी दिन तेरी होने वाली बहू को शादी की हथकड़ियां पहनाकर तेरे सामने ले आऊंगा। बस माँ, अब तो मुझे आशीर्वाद दे दे कि मैं इस काम में जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाऊं। माँ का आशीर्वाद बेटे के साथ हमेशा रहता है बेटा। भगवान तुझे कामयाबी दे, सफल करे। झूठ तो हम कतई न बोले हैं। हाँ, दिलावर साहब का खून हुआ मंगल के रात को 9 बजे, लेकिन मंगल के दिन मारी बोलती
और दुकान दोनों बंद रही है जी। मेरी समझ में नहीं आता तुम सब लोग इतना डरते क्यों? आखिर किसका डर है तुम्हें? तुम क्या करते हो? जी हमार पान की दुकानिया है चूना लगाई के। जिस वक्त डीसीपी दिलावर का खून हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? उस रात तो हम अस्पताल में भर्ती थे। तुम क्या जानते हो उस खून के बारे में? कुछ नहीं जानता सर। सच सच बताओ। सच बता रहा हूँ सर। झूठ बोलता है। झूठ बोलता है।